जिंदगी की बाजी हार गया। मस्ताना को भावलपुर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लाहौर में आज इसी अजीम फनकार के सोग में तमाम थिएटर्स बंद रहेंगे। अपने फन से लोगों में खुशियां बिखेरने वाला मस्ताना दुनिया से रुखसत हो गया। जिसकी आमद के लिए कभी लोग मुंतजर रहते थे, मस्ताना को गुज़िश्ता माह भावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में लाया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला होने के बायस मस्ताना के जिगर ने काम करना छोड़ दिया था, जिसका इलाज चीन या यूरोप में ही मुमकिन था। सबके जहां क्या बांग्लादेशी हुसन है, कितने सोने हैं तुसी, आहा ये बू कहां से आ रही। अदाकार मस्ताना के बच्चे अपने वालिद के इलाज के लिए इमदाद की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। ना हुकूमत ने माली मुआवनत की और ना ही साथी फनकारों ने हाथ आगे बढ़ाया। मरहूम ने एक बेटा और एक बेवा सोगुरान में छोड़ी है। 45 साल से स्टेज पर लोगों को हंसाने वाला अदाकार अपने पीछे मद्दाओं की बड़ी तादाद को रोता छोड़ गया। उनकी बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी, बहुत अच्छे शोहर थे, बहुत नमाजी परहेजगार, बहुत अजीम फनकार थे, काफी अरसे बहुत तकलीफ में थे। मरहूम की बेवा ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि जौहर टाउन में वाकई प्लॉट वागुजार करा के उनके हवाले किया जाए और उनके बेटे की तालीम का सरकारी सतह पर बंदोबस्त किया जाए। मस्ताना को उनके आबाई कब्रिस्तान नूर शाह बुखारी भावलपुर में सुपर्द खाक किया जाएगा। मस्ताना की नागानी हलाकत ने जहां शायकीन स्टेज को उदास किया है, तो दूसरी तरफ उसके अहले खाना को भी मुश्किलात की दलदल में धकेल दिया है, जिनको निकालने के लिए हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन उमर फारूक के साथ मलिक अथर फारूक अहमान, दुनिया न्यूज बहावलपुर। रिपोर्ट आपने देखी। अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से।